हमारे साथ तो मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक है आनंद शंकर सर। सर किस तरह का अलर्ट जारी हुआ है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि मौसम विभाग जो अलर्ट है वो 4 दिन पहले इशू कर चुकी है, 3 से 4 दिन पहले। और इसके जो पूर्वानुमान है लाइटनिंग की, थंडरस्टॉर्म की, वो 24 तारीख का यदि आप बुलेटिन देखें मौसम विभाग का, तो पूरे बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट में सबको अपडेटेड रहने की ज़रूरत थी, ये बुलेटिन जारी है। और जो मेनली एक्टिविटी जो कल हुई है, तो आप देखेंगे मौसम विभाग का नाउकास्ट वार्निंग होता है जो आधे घंटे पहले जारी होता है, वो 24 जिलों के लिए समय समय पर जारी होता रहा है। तो कह सकते हैं कि मौसम विभाग पहले से ही पूरी तरह से अलर्टेड कर रखी थी और वार्निंग इशू करते रही है। आज भी देखिए मॉर्निंग से ही पूरे बिहार में, मेनली साउथ बिहार और जो मधेपुरा वाली रीजन है उधर बारिश हो रही है। और आप हमारे नाउकास्ट वार्निंग देखेंगे, ऑलमोस्ट ये सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी इशू हो चुकी है। तो मौसम विभाग समय समय पर वार्निंग देते रहती है, लेकिन जो पूर्वानुमान की बात करें अगले 3 से 4 दिनों तक का, तो पूरे बिहार में इंटरमिटेंट टाइप का थोड़ा रुक रुक के स्पेल में रेन होता रहेगा। आगे से थंडरस्टॉर्म की भी आशंका है? जैसे कि सभी जनता के लिए मेरी यही अपील रहती है कि जब भी प्री मानसून की पहली बारिश होती है, मतलब थोड़ा सा इंटरवल के बाद बारिश होती है, तो पहली बारिश के साथ बहुत ज़्यादा लाइटनिंग एक्टिविटी होती है। लेकिन जैसे जैसे बारिश कंटिन्यू होने लगती है तो ड्रास्टिकली थोड़ा लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी घट जाती है। तो आज देखेंगे कल से थोड़ा सा लाइटनिंग एक्टिविटी घटेगी, तो इस टाइप का ट्रेंड एज यूजुअल रहता है। लेकिन जो मेनली जो फार्मर्स हैं, जो जनता है, उनसे यही हमारी अपील है कि लोग जब बारिश हो रही है तो लोग घरों में रहते हैं थोड़ा, या फिर बचते हैं। यदि बारिश होने की संभावना हो तो पता चल जाती है, उस तो जो लाइटनिंग का एक्टिविटी है वो उसके आगे पीछे होती है ज़्यादातर। तो लोगों को ये सब से भी सावधान रहने की ज़रूरत है थोड़ी। और जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देती रहती है, पूरी तरह उसको फॉलो करने की ज़रूरत है।